गुरु पूर्णिमा पर विकास हाईस्कूल के 1980-81 बैच के पूर्व विद्यार्थियों ने अपने परिवार के साथ दोनेकर सभागृह में गुरुवर्य एवं गुरुजनों की पूजा करके शहर के 40 मेधावी विद्यार्थियों 20 पत्रकारों व अतिथियों का सत्कार कर उत्साह से गुरु पूर्णिमा मनाई है। रविवार की शाम को दोनेकर सभागृह में पूर्व विद्यार्थियों द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत माँ शारदा का पूजन कर की गयी। गुरुवर्य देशमुख गुरुजी, पोद्दार गुरुजी, पोद्दार मैडम, खर्चे गुरुजी, खर्चे मैडम, पटले गुरुजी, पटली मैडम, कोले गुरुजी, कोले मैडम, मालवी गुरुजी, अल्लड़वार गुरुजी, धावड़े गुरुजी, बारे मैडम, फरसोली मैडम और भोयर मैडम आदि गुरुजनों का पूर्व विद्यार्थियों द्वारा गुरु पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के 9 शालाओं, 5 कनिष्ठ महाविद्यालयों की कक्षा 10वीं 12वीं के करीब 40 मेधावी विद्यार्थियों का स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। साथ ही 20 पत्रकारों सहित डॉक्टर मंगतानी, डॉक्टर जुनकरे, डॉक्टर योगेश जुनकरे, विकास प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक राजेंद्र खंडाई, गिरजा शंकर यादव, कार्यमुरी शांताराम जलते, अमित सिंह ठाकुर, माधव काठुके, विजय पाटी, डोंगरे, पश्चिनी, बेलनकर, वंजारी चौधरी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष शरद दुनेकर, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नरेश वर्वे, मधुकर नागपुरे आदि अतिथियों का सत्कार किया गया। इस अवसर पर विकास हाईस्कूल के पूर्व विद्यार्थी व पूर्व सांसद प्रकाश जाधव ने कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विजय डोनेकर, कमलेश पंजारी, हाजी शेरू शेख, अशोक पोलभरे, प्रदीप वानखेड़े, शंकर राउत, प्रेम रोडेकर, गोविंद जंघारी, दिलीप येमुले, देवानंद सकोरे, राजेंद्र कोरले, नथुन लंगड़े, जीवन लिलारी, उमराव पाटिल, प्रभाकर दास ने, मुकेश घोटेकर, मोरेश्वर उके, नंदा काकड़े, चंपा गजबे, माधुरी माटे, लता वंजारी, आशा वानखेड़े आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में मोतीराम रहाटे, कमल यादव, गणेश बोंगाडे, नितिन रावेकर, संजय शिंदे, शेषराव बावनी, प्रतीक जाधव, पारस आदि ने सहयोग प्रदान किया। क्षणभंगूर व्यवस्थेमध्ये आपल्या कानावर काहीतरी चांगल्या गोष्टी पडतात। तो जो गुरु कधी परखला नाही, ज्या गुरुजी सांगितलं आम्ही कधी राहिलो नाही, फक्त भगवा घातला आहे, टिळा लावला आहे, सुंदर प्रवचन करतो, नंतर कधीतरी वर्तमानपत्रामध्ये काहीतरी छापून येतं, मग रडण्याचे दिवस येतात, तर असे अधोरेख ज्ञानाच्या गुरुची आम्हाला काही गरज नाही। आणि म्हणून त्याच वेळेला आम्ही ठरवलं होतं की पहिल्या वर्गापासून 16व्या वर्षाच्या 10व्या वर्गापर्यंत खऱ्या अर्थानं आम्हाला जीवन कसं जगावं, आमच्या इच्छाशक्तीला खऱ्या अर्थानं प्रशस्त मार्ग आणि पंखांना बळ देण्याचं काम ज्या गुरुजींनी केलं, नव्हे विश्रमाच्या स्वरूपातून काड्याच्या काड्या आमच्या पाठीवर ठेवल्या, आता आम्हाला कळतं की या सगळ्यातून आम्ही बंधनात राहतो, आम्ही शिस्तीत राहतो, कदाचित आमच्या जीवनाला आकार देण्याचं काम या छेडींमधून आमच्या ठोकल्या भेटण्यापासून झालं असेल। ब्युरो रिपोर्ट, NBC News।